यार हम यहाँ खिजर उमर भाई के पास आए हैं। शौकत भाई थैंक यू सो मच। और ये फिर चलते हैं, ये देखेंगे इनका डेरा है जो अगर अक्सर आप व्लॉग्स में भी देखते होंगे। ये देखो यार, ओए 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 ओए, और साथ हमने मत पास्ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी तक अगर आपने यासिर अज़ व्लॉग को ज्वाइन नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मजे के इस तरह के व्लॉग देखते रहें। और आज दो तीन काम करने हैं मैंने कुछ यार। एक तो अभी पढ़ते हैं जुमा नमाज, अभी बात तो सही है तारे की है, लेकिन उससे पहले कि जुमा का टाइम तो 1 बजे होगा, अभी 11 बज रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ काम एक दो हैं वो करने जाएंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि यार हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी बीइंग अ बेटर ह्यूमन, तो उसकी 2 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं, तो आपने वो जरूर देखनी। आपको बहुत मजा आएगा, उसमें जो करेक्टर है, जो मैसेज है, उससे आपको रियलाइज होगा कि यार वाकई स्ट्रगल हो रही है इस चैनल के ऊपर। लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। बट आज एक और चीज भी आनी है, क्योंकि मैं दोस्तों से बहुत ज्यादा ट्रीट्स ले चुका हूं, तो आज मेरी बारी है यार। आज उनको ट्रीट देनी है, और आज शाम को पिज्जा पार्टी भी करेंगे और उससे पहले एक दो काम है वो निपटाएंगे, देन हम पिज्जा पार्टी कर सकते हैं। ये सीरियस ही बात है। लेकिन अभी अगर आपने अभी तक भी अभी अब मुझे सुनने के बावजूद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार दोस्ती तो नहीं हुई। मैं तुम्हारे बाप का नौकर, तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है। एक और बात भी आपको बताता चलूं कि आपका भाई ना थोड़े से बाल बड़े कर रहा है यार। बाल बड़े हो रहे हैं ना, वाकई में बड़े हो रहे हैं यार, मुझे लग तो रहा है। एक और करेक्टर करना है, उसके लिए बाल बड़े करना बहुत जरूरी है, तो वो अभी बाल 6-7 महीने तक हम इसको फुल बड़ा करते हैं, यहाँ यहाँ तक लेके आते हैं ताकि एक लुक भी चेंज आए थोड़ी सी, क्योंकि सेम यार बाल की कटिंग सेम होती आ रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा चलो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो आपका भाई बाल बड़े कर रहा है, भाई इतने इतने करने हैं, फिर देखते हैं लुक कैसी आती है, देन डिसाइड करेंगे कि उसको रखना है या नहीं रखना। तो आप देखेंगे कि साथ साथ इसको भी एनालाइज करते जाएं कि यार क्या बाल बड़े हो रहे हैं कि नहीं। मुझे लग तो रहा है कि यार बड़े हो रहे हैं, ये देखो ना बाल यहाँ तक तो आ गए हैं, बड़े हो रहे हैं काफ़ी, तो यहाँ तक हमने लेके आने हैं ताकि एक हमने एक और एपिसोड बनानी है, उसमें वो चाहिए हैं। और बट एक लुक भी चेंज आनी चाहिए ना थोड़ी सी, देखते हैं कि वो किस तरह की लगती है, क्योंकि बचपन से सेम यार कटिंग, वो छोटी सी कटिंग वो करवाते हैं पेरेंट्स, और अब थक गए हैं यार थोड़े से, अब थोड़ी सी लुक चेंज करनी चाहिए। बात तो सही है, सेम लुक देख के आप भी थक गए होंगे। मोमेंट्स लेटर, तो यार अभी जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हमने पहुँचानी है बोरियाँ, ये देखने ये हमने वहाँ छोड़ के आनी है जहाँ पे आलू निकाल रहे हैं ना मजदूर, तो अभी चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कोई काम शाम है तो, अदरवाइज ये तो हमने पहुंचा के आनी है, क्योंकि फिर ये सारा कुछ इसमें भराई करते हैं ना वो, और मंडी में लेके जाते हैं। तो यार आज अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और ये देखें ये इन्होंने किया हुआ है, आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ से निकल रहा है, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये इस साइड पे ये देखें ये यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे एक्चुअली भराई हो चुकी है इस साइड पे ना सारी। लेट्स सी, ये देखो ये अभी मैंने यहाँ से निकालना है, आज भी अच्छा साइज इस साइड पे देखो यार ये साइज निकल रहा है, ये देखो ये देखो बहुत बड़ा आलू है यार, माशाल्लाह अच्छा निकल रहा है इस साइड पे ना, ये देख ये देख आज काफ़ी बेटर और अच्छा निकला हुआ है। इस साइड पे अभी भर रहे हैं, जालियां भरेंगे, एक्चुअली ये जालियां जो हैं ये स्टोर जाती हैं। Two hours later. तो यार जिस दोस्त के पास मैंने आना था, और ये अली अली भाई, अली भाई यस हो गया, अली भाई आ गए, और हम यहाँ पे खाने आए हैं दही भल्ले, और ये हम खा रहे हैं। बाकी दो हमारे दोस्त मिसिंग हैं, एक ड्यूटी पे है, एक गेड़े बाजियाँ करवा रहा था, और वो उसे पता होगा जब वो ब्लॉग देखेगा कि उसने जो गेड़े करवाए हैं हमें। कोई बात नहीं, शाम को उसने आना है तो उसके ऊपर पेनल्टी हम डालते हैं अली भाई। और आपको पता है एक और खुशखबरी भी है, जिसने हमें गेड़ा दिया है उसने एक चीज़ ली है, उसे ट्रीट भी लेनी है, ये सस्पेंस है आपको बाद में पता चलेगा। बड़े मज़े के दही भले यहाँ
नजर आए मजा आएगा। अभी हम जा रहे हैं खिजर उमर के घर उससे मिलने, और अगर वो घर हुए तो उससे मिल लेंगे क्योंकि लिया के यूट्यूबर हैं। और ये मेरा दोस्त, चल यार चलें फिर। तो यार हम यहाँ खिजर उमर भाई के पास आए हैं, बट वो कहीं काम से गए हुए हैं। उनके हमें भाई छोटे मिले हैं और ये कह रहे हैं कि वो शायद उमरा पे जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर उनसे मुलाकात के लिए आएंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं के इलाके का ही हूँ। मैं कोट सुल्तान से हूँ बेसिकली। आपका नेम क्या है? मोहम्मद शौकत। मोहम्मद शौकत। हाँ, मोहम्मद शौकत भाई ने बहुत जो मेहमान नवाजी हमारी की है यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप बात करें, बिठाएं लोगों को, ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई लिया के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े मेहमान नवाज हैं। ये हम लाहौर में भी सुनते हैं, जैसा कि आप वहाँ फिर रहे होते हैं, आपको पता है वहाँ के लोगों से हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट का पूछते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि यार वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। और ये चीज़ हमने फील भी की है यहाँ पे। और शौकत भाई थैंक यू सो मच। और ये फिर चलते हैं, ये देखेंगे इनका डेरा है जो अगर अक्सर आप व्लॉग्स में भी देखते होंगे। तो इंशाल्लाह, हाँ यहाँ पे क्रिकेट अक्सर खेली जा रही होती है, तो इंशाल्लाह फिर उनसे मिलेंगे। अगर अभी 2-3 दिन तक मुलाकात हो गई तो हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर हम, क्योंकि वो भाई कह रहे हैं कि उमरे पे जा रहे हैं, वो कह रहे थे, तो फिर हम उनसे उसके बाद आके मुबारक भी देंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे भी सही। थैंक यू सो मच शौकत भाई, आपने हमें टाइम दिया। ओके अल्लाह सर। अभी उनके डेरे से हम होके आए हैं, वो अच्छी बिजी थे, कहीं पे गए हुए थे, अगर होते तो आपसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के हैं बहुत अच्छे बंदे हैं। और ये उनका एरिया है सारा, और यहाँ पे कुछ वीडियोस शूट जैसे हो रही होती हैं, आप अक्सर देखते होंगे, और यहाँ पे भी शूट हो रही होती हैं, जैसा कि उनके साथ एक मौलवी भाई होते हैं वो बना रहे होते हैं, जो भट्ठे पे काम करते थे। तो इधर से रास्ता है यार, उधर से चलते हैं, उधर से निकल लो, ये जगह तो ये एरिया है सारा। और बड़े अच्छे यार मेहमान नवाज उसके भाई थे, और वो उनकी नेचर भी इसी तरह की है, मैंने अक्सर उनको देखा है व्लॉग्स में भी, आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट उनसे इंशाल्लाह मिलेंगे 2-3 दिन तक अगर वो यहाँ पे होंगे, अदरवाइज क्योंकि वो उमरे पे जा रहे हैं तो उनके कोई पासपोर्ट का काम था तो वो करवाने गए वो। अच्छा, वो कह रहे थे ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे अक्सर वो दाढ़ी वाला जो उनके एक दोस्त हैं उनके साथ वो व्लॉग कर रहे होते हैं इसी साइड पे। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बता रहा था सुबह टाइम के, आज एक रात को पार्टी होनी है, तो वही हो रही है यार। ये लेके आ गए, ये देखो, ये डॉक्टर साहब के काम हैं और ये इसके काम हैं। अभी एक फिल्म हमारी पेंडिंग है, वो आ जाए तो फिर हम जल्द डॉक्टर साहब ऑर्डर करते यार, जो ऑर्डर करेगा मेरे कुछ नहीं देना है। आपकी तबीयत सही नहीं है? व्हाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? हाँ भाई, क्या रीज़न हो सकती है? डेंगू हो गया। क्या? डेंगू। ओह हो यार, यार दुआ करें, इज्तमाई दुआ, हमारे दोस्त को डेंगू हो गया, अल्लाह उसको सेहत अता। लेकिन मेन रीज़न हमें पता है कि वो डेंगू नहीं है, कुछ और है। हमारा वो दोस्त जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसके बगैर ये पार्टी हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती थी बस। जिसके बगैर ये पार्टी पॉसिबल ही नहीं थी यार, मोए मोए, उसके बगैर हम कर भी नहीं सकते। मोए मोए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये देखो, ये है, ये देख लो, ये अली कंफ्यूज हो जा रहा है, नहीं हम अली को नाम जी जी अली भाई, अली भाई, हाँ अली भाई, अली भाई क्या ऑर्डर करेंगे? बाकी जो हम मंगवाए हम खाएंगे। फॉर्मेलिटी में नहीं 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 यार, फॉर्मेलिटी में अली भाई से पूछ लेते हैं कि क्या ऑर्डर करवाए। अली भाई जी, क्या ऑर्डर करवाए आप कहें? जो आप कहें हैं, नगर से आगे अच्छे नहीं होते, यहाँ से सही है। पूछा मैंने कुछ, हम ऑर्डर कर चुके हैं, क्रंची पिज्जा करवाया हमने। सर हम ऑर्डर कर चुके हैं, आप टेंशन ना लें, आपको ऐसे हम टेंशन में नहीं डालना चाह रहे हैं। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाने लगे हैं। मजबूरी यार जवाद, हमने तो कुछ नहीं किया। मजबूरी का दूसरा नाम क्या है? जवाद। जवाद दूसरा नाम
एक्चुअली आज ना जवाद ने एक धोद वाली पुल पे किसी से मिलने जाना था यार, इस वजह से हम लेट हो गए रात को 6 बजे के बाद मेरा ये था, ये पिज्जा आ गया यार। और ये पिज़्ज़ा मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ क्योंकि मैंने और दो तीन फ्लेवर इनके चेक किए हैं, ये फ्लेवर चेक नहीं किया। लेट्स ये देखो यार, ओए ओए ओए, चलो भाई शुरू हो जाओ। तो यार अभी करते हैं टेस्ट और पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ये हमारी अम्मा जी हैं यहाँ पे डिवाइड करने वाली। नजर आए वाह। भाई साहब अभी करते हैं ट्राई पास्ता के किस तरह का बना हुआ है। लग अच्छा रहा है, लिटरली बहुत अच्छा बना हुआ है यार। ओह हो बड़ा लेवल का बना हुआ यार। आई एम प्रमोटिंग माय ओन सिटी रेस्टोरेंट ऑफ पिज्जा। अभी फिलहाल हमारा कैमरा पिक लेवल अच्छा है यार, ठीक है लेवल बना हुआ है। भाई को भूख नहीं लग रही, ये खाई जा रहे हैं। ये मुंह नहीं उठा रहा ऊपर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे अकेला, हम नहीं खाएगा। पिज्जा पार्टी होगी एंड, और अब हम जाने गए घरों में। ये है हमारा शहर और इस टाइम दुकानें बंद हो चुकी हैं यहाँ पे, यहाँ पे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। चलो अभी अपनी अपनी गाड़ी निकालो यार। Two moments later. अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आपको पता है आज सफर बहुत ज्यादा किया है और फिर शाम को हल्ला गुल्ला और ये सारे काम और जो कुछ हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, आपको पता ही है, तो थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।